बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। विद द फिजिक्स ऑफ क्लास 10th चैप्टर नंबर 16, टुडे आवर लेक्चर नंबर 6 एंड द टॉपिक वी विल डिस्कस एंड ऑपरेशन। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी सिंपली डिस्कस द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने बात की थी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ बुनियादी ऑपरेशंस होते हैं और उन बुनियादी ऑपरेशंस में एंड ऑपरेशन, आर ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन, ये 3 बेसिक ऑपरेशंस हैं। इन तीनों में से एक टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक की क्या अहमियत है, क्या प्रोबेबिलिटी है बोर्ड के एग्जाम के लिए, मैं आपको लेक्चर के एंड पे थोड़ा सा गाइड करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फॉर एंड ऑपरेशन सपोज कर लेते हैं वी हैव 2 इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हमारे पास 2 इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं। लेट वन ऑफ देम इज S1 while the other one is S2। ये जरूरी नहीं है कि हम इनको S1 या S2 का नाम ही देंगे, because it is mentioned in our textbook, so that's why I am using for them S1 and S2. You may use for different names like A, B and C. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनके लिए क्या नेम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप टेक्स्टबुक को ही फॉलो करें। सो इन आवर टेक्स्टबुक बोथ दी स्विचेस आर रेफर्ड एज S1 एंड S2। इन दोनों स्विचेस को सीरीज में अटैच किया गया है। किसके साथ अटैच किया गया है? एक लैंप के साथ। सीरीज में अटैच करने से मुराद ये है कि बोथ दी स्विचेस आर इन अ सीक्वेंस, एक के बाद एक, एक सीरीज में, एक तरतीब से अटैच हैं। और एक लैंप जो कि हमारा आउटपुट होगा उसको ये कंट्रोल करेंगे। ये दोनों स्विचेस इस सर्किट में एज इनपुट यूज किए गए और लैंप या बल्ब एज आउटपुट यूज किया गया। तो लेट अ लैंप इज कनेक्टेड विद 2 स्विचेस इन सीरीज, स्विचेस S1 एंड S2, दीज आर 2 इनपुट्स, व्हाइल द लैंप व्हिच इज नेम्ड एज X, इट इज आवर आउटपुट। ये लैंप X से हमने रिप्रेजेंट किया, आउटपुट है। अगर आप सर्किट को देखें, ये हमारा मेन सर्किट है जो आपकी टेक्स्ट बुक पे बना हुआ है। S1 और S2 2 इलेक्ट्रिकल स्विचेस है। स्विचेस इस वक्त ओपन है दोनों, ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से जुदा हैं, सेपरेट हैं। तो इट मींस के बोथ दी स्विचेस आपको ये ओपन नजर आ रहे हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिकल सोर्स बैटरी है और ये लैंप है। इन दोनों स्विचेस के लिए हमारे पास 4 ऑपरेशनल पॉसिबिलिटीज हैं, 4 मुमकिन सूरतें हैं इन दोनों स्विचेस को ऑपरेट करने की, और इन दोनों के ऑपरेट होने के नतीजे में 4 पॉसिबिलिटीज लैंप के लिए भी होंगी। तो आप 2 स्विचेस के लिए 4 पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर 3 स्विचेस हो तो 8 पॉसिबिलिटीज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कितने स्विचेस होंगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? हमने पढ़ा था बाइनरी वेरिएबल्स में कि हर एक बाइनरी वेरिएबल की 2 मुमकिन सूरतें होती हैं। तो यहां पर चूंकि 2 थे, एक की बजाय 2 थे, तो इन दोनों की कलेक्टिवली 4 मुमकिन सूरतें हो सकती हैं। भारत उसके लिए बड़ा सिंपल सा एक रिलेशन एक्सप्रेशन है, वो आपने याद कर लेना है कि अगर आपने नंबर ऑफ स्विचेस यानी कि नंबर ऑफ बाइनरी वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली उनकी पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट करनी हो तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो स्टूडेंट्स देख लें इसको। लेट 2^n, इस एक्सप्रेशन की मदद से आप नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज अकॉर्डिंग टू अवर इनपुट्स या अकॉर्डिंग टू अवर बाइनरी वेरिएबल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास 2 स्विचेस थे तो 2 मेंशन करेंगे और n हमारे पास वो स्विचेस की तादाद है। 2 इस एक्सप्रेशन में मेन एक फिक्स्ड क्वांटिटी है और n हमारे पास इनपुट्स हैं। वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जितने भी बाइनरी वेरिएबल्स के लिए आपने पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट करनी है n की जगह वो वैल्यू पुट करें। आपके पास 2 बाइनरी वेरिएबल्स थे स्विचेस, तो n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2^2 करेंगे तो 4 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। अगर आपके पास 3 बाइनरी वेरिएबल्स या 3 स्विचेस होते हैं सीरीज में, 3 के साथ भी हम ये पूरा टॉपिक कर सकते हैं, 4 के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारी टेक्स्ट बुक में 2 के साथ इसको डील किया तो हम 2 के साथ ही करेंगे, लेकिन 3 या 4 के साथ आप आसानी से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आपने सिंपली करना ये है कि 2^3 जितने स्विचेस होंगे एन की जगह उतना प्लेस कर दें। तो 2^3 का मतलब 8 पॉसिबिलिटीज। तो अगर हम सीरीज में 2 की जगह 3 स्विचेस लगाएंगे तो हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी उन स्विचेस को ऑपरेट करने की। अपने टॉपिक पे वापस आते हैं।
इन दोनों स्विचेस के लिए वी हैव फोर पॉसिबिलिटीज, फोर पॉसिबिलिटीज हैं फॉर बोथ स्विचेस और लैंप के लिए भी. फर्स्ट पॉसिबिलिटी देखें, नंबर वन, स्विच एस वन ओपन, एस टू ओपन, तो लैंप क्या होगा, ऑफ होगा. इस पॉसिबिलिटी के लिए मैंने अलग से एक सर्किट बनाया है. मैंने चारों पॉसिबिलिटीज के लिए चार सर्किट्स बना दिए हैं ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाए. और मैं आपको सजेस्ट भी यही करूंगा, बेशक हमारी टेक्स्ट बुक पर सिर्फ एक ही सर्किट बनाए और स्टूडेंट सिर्फ एक ही सर्किट बनाते हैं, पॉसिबिलिटीज लिखते हैं और आपके क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं, मैं समझता हूं कि हर पॉसिबिलिटी के लिए अगर आप एक सर्किट बनाए अलग से तो चेकर को चेक करने में भी आसानी रहेगी और उसको ये क्लियर हो जाएगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर है. तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंगली S1 ओपन, तो देखें स्विच S1 ओपन है, दोनों कॉन्टैक्ट सेपरेट है. स्विच S2 ओपन, दोनों कॉन्टैक्ट सेपरेट है. मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में जो बेसिक टॉपिक था उसमें बताया था कि ओपन का मतलब ऑफ, तो जब दोनों स्विच ऑफ होंगे, ओपन ओपन, तो लैंप ऑफ होगा. क्लियर हो गया बेटा, स्विच S1 ओपन, S2 ओपन, लैंप X ऑफ. तो डायग्राम के अकॉर्डिंगली भी देख लें, जब दोनों स्विच ओपन है मतलब ऑफ है, तो करंट आगे जा ही नहीं रहा क्योंकि दोनों स्विच ऑफ है. क्लियर हो गया जी. सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, स्विच S1 ओपन, S2 क्लोज, लैंप ऑफ है. सेकंड डायग्राम देखें, S1 स्विच जो है वो ओपन है, तो मतलब ये है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट S1 तक जाएगा, लेकिन चूंकि S1 ऑफ है तो आगे नहीं जाएगा. ठीक है ना, अगर आप घर के मेन बोर्ड में मेन स्विच ऑफ कर दें तो करंट जो मेन स्विच तक आ रहा है आगे घर में दाखिल नहीं होगा. बिल्कुल सीरीज के अंदर यही चीज होती है कि सीरीज सर्किट में किसी एक पॉइंट पे अगर आप स्विच को ऑफ कर देते हो तो आगे करंट का फ्लो स्टॉप हो जाता है. तो बेशक स्विच टू क्लोज है, ऑन है, लेकिन स्विच टू तक करंट आ ही नहीं रहा क्योंकि आपका स्विच वन एस वन ओपन है, लिहाजा इस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंगली भी लैंप ऑफ रहेगा. क्लियर हो गया. दूसरी पॉसिबिलिटी, एस वन ओपन, एस टू क्लोज, एस वन ओपन, एस टू क्लोज, तो लैंप क्या था, ऑफ था. रीजन मैंने आपको बता दी कि ऑफ क्यों था. तीसरी पॉसिबिलिटी देखें, एस वन को क्लोज और एस टू को ओपन रखा गया. तीसरी पॉसिबिलिटी में करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एस वन पे जाता है, S1 क्लोज है, क्लोज का मतलब है कि स्विच ऑन है, करंट आगे जाता है S2 तक, लेकिन स्विच S2 ओपन है यानी कि ऑफ है. तो करंट जो S1 से S2 तक आ रहा था वो S2 स्विच उसको अलाउ नहीं करता कि वो लैंप तक भी जाए, लिहाजा करंट यहीं पर ब्लॉक है इस जगह पे, वो लैंप तक पहुंचता ही नहीं. नतीजे के तौर पर लैंप हमारे पास अभी भी स्टिल ऑफ ही है. पहली तीन पॉसिबिलिटीज में देखे लैंप ऑफ है और पहली तीन पॉसिबिलिटीज में एक चीज गौर करने वाली भी है. वो गौर करने वाली चीज ये है कि या तो दोनों स्विचेस ओपन थे यानी कि ऑफ थे, या दोनों में से कोई एक ओपन था यानी कि ऑफ था, तो लैंप हमारा ऑफ है. चौथी और आखिरी पॉसिबिलिटी देखें, आपको सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी. आपका स्विच S1 क्लोज है मतलब ऑन है, स्विच S2 क्लोज मतलब ऑन, तो लैंप ऑन है. जब करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से S1 पे आ रहा है तो S1 क्लोज, क्लोज का मतलब स्विच ऑन है, करंट आगे जाएगा S2 तक. S2 भी क्लोज, क्लोज का मतलब ऑन, तो करंट S2 से निकलेगा और आएगा लैंप तक. जब ये लैंप में करंट गुजरेगा तो सर्किट कंप्लीट हो गया, नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचेगा और इसके नतीजे में हमारा लैंप ऑन हो गया. तो लैंप आपका कब ऑन हुआ, जब दोनों स्विचेस ऑन थे यानी कि क्लोज थे, यही रिजल्ट निकला हमारे पास. अगर आप इन चारों पॉसिबिलिटीज के मुताबिक रिजल्ट्स निकालते हैं तो दो रिजल्ट्स निकल रहे हैं बेटा. पहला रिजल्ट, ईदर ऑफ दी स्विचेस S1 और S2 ओपन, कि इन दोनों स्विचेस में से, पहली तीन पॉसिबिलिटीज में से अगर आप देखें तो दोनों स्विचेस में से अगर कोई एक भी ओपन है तो लैंप ऑफ है. तो पहली तीन पॉसिबिलिटीज में देखें, अगर आप दोबारा देखें तो पहली पॉसिबिलिटी में दोनों ही ओपन है, दूसरी पॉसिबिलिटी में S1 ओपन है, तीसरी पॉसिबिलिटी में S2 ओपन है. तो हमारा रिजल्ट यही निकला कि दोनों स्विचेस में से सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, कि अगर हमारे ये दोनों स्विचेस लैंप के साथ सीरीज में थे तो दोनों स्विचेस में से कोई एक भी अगर ओपन था तो लैंप ऑफ होगा.
और दूसरा रिजल्ट क्या निकला, व्हेन बोथ स्विचेस आर क्लोज्ड, जब दोनों स्विचेस क्लोज हैं तो तब हमारा लैंप जो है वो ऑन है। स्टूडेंट क्लियर हो गया। अब हम इन पॉसिबिलिटीज जो हमने यहां पर सर्किट्स में और ये मेंशन की हैं, इसके मुताबिक एक टेबल बना देते हैं। याद रहे तो टेबल आप बनाएंगे जिस सीक्वेंस से आपने ये पॉसिबिलिटीज लिखी हैं, ये आपकी पॉसिबिलिटीज आगे पीछे हो सकती हैं। ये जरूरी नहीं कि जो टेक्स्ट बुक पे या जो पैटर्न मैंने लिखा है वही लिखेंगे, जो आपके माइंड में पहले आ जाए वो आप लिख सकते हैं। तो जिस तरतीब से आपकी पॉसिबिलिटीज और सर्किट्स होंगे, ये आपका टेबल उसी सीक्वेंस से होना चाहिए तो आपको नंबर मिलेंगे। क्लियर हो गया जी। स्विच S1 और S2 ओपन, ओपन हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी ओपन ओपन थी और लैंप ऑफ था। देखें ये डायग्राम, ओपन ओपन ऑफ पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी स्विच S1 ओपन, S2 क्लोज, ओपन क्लोज और लैंप ऑफ ऑफ। तीसरी पॉसिबिलिटी क्लोज ओपन और लैंप ऑफ। लास्ट पॉसिबिलिटी क्लोज क्लोज, ये दोनों क्लोज है और लैंप ऑन। क्लियर है बेटा। अब आ जाते हैं ट्रुथ टेबल पे। ये जो हमारे कंक्लूजन्स थे, पॉसिबिलिटीज थी, रिजल्ट्स थे, अगर इसको हम बाइनरी फॉर्म में लिख दें, बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी नंबर्स में, जीरो और वन की फॉर्म में, क्योंकि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को डील कर रहे हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सारा डाटा जीरो और वन की फॉर्म में प्रोसेस किया जाता है। तो अगर आप इस पूरे टेबल को जीरो और वन की शक्ल में लिख देते हैं तो उस टेबल को ट्रूथ टेबल कहा जाता है। मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में भी ये बात समझा दी थी। ट्रूथ टेबल क्या होता है, सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन बाइनरी फॉर्म। ये हमारा इनपुट्स और आउटपुट्स का सेट था। S1 और S2 क्या थे, दोनों इनपुट्स थे। लैंप क्या था, आउटपुट था। तो ये दोनों कॉलम इनपुट का सेट है और ये कॉलम आउटपुट का सेट है। तो अगर आपने इनपुट्स और आउटपुट के सेट को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो ये जो कन्वर्जन है, जो टेबल हमारे पास, टेबल ये और ये सेम है, सिर्फ फर्क ये है कि इसको आपने नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इस टेबल को अब आप नाम देंगे ट्रुथ टेबल। स्विच S1 को हमने A से रिप्रेजेंट कर दिया, स्विच S2 को हमने B से रिप्रेजेंट कर दिया। इस इक्वेशन का मैं आपको बाद में बताता हूं। ये आपका आउटपुट X कंसीडर कर ले इसको। तो ओपन का मतलब मैंने आपको बताया था प्रीवियस टॉपिक में भी, ओपन का मतलब होता है ऑफ और ऑफ का मतलब होता है मिनिमम वोल्टेज और मिनिमम वोल्टेज का मतलब होता है जीरो। ओपन का मतलब जीरो, ओपन का मतलब अगेन जीरो, तो जीरो जीरो, तो ऑफ का मतलब भी जीरो। नेक्स्ट देखें ओपन क्लोज, जीरो वन, क्लोज का मतलब ऑन, ऑन का मतलब हाई वोल्टेज और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हाई वोल्टेज का मतलब वन, डिस्क्रीट वैल्यू जीरो और वन होती है, ठीक है जी। तो जीरो वन और आउटपुट क्या है, जीरो। तीसरी कन्वर्जन देख लें, क्लोज वन और ओपन जीरो, वन जीरो और आउटपुट क्या है, जीरो। और लास्ट देख लें क्लोज क्लोज, वन वन और आउटपुट क्या है, वन। अगर इस टेबल को इस रिजल्ट के साथ कंपेयर कर लें तो गौर करने वाली चीज ये है कि दोनों इनपुट्स में से, यानी कि ए और बी में से, अगर कोई एक भी जीरो है तो आउटपुट जीरो है। देखेंगे दोनों जीरो थे तो आउटपुट जीरो है, ये एक जीरो था दोनों में से आउटपुट जीरो, ये भी एक जीरो है आउटपुट जीरो, लेकिन ये दोनों वन है तो आउटपुट वन है। तो एंड ऑपरेशन में आपका रिजल्ट आउटपुट वन उसी वक्त आपको मिलेगा जब आपके तमाम वेरिएबल्स, जो इनपुट वेरिएबल्स हैं, वन होंगे। वो दो वेरिएबल्स हैं, वो तीन वेरिएबल्स हैं, वो जितने मर्जी हों। हमने इस पूरे टॉपिक में दो वेरिएबल्स के मुताबिक सारा टॉपिक अंडरस्टैंड किया, डिस्कस किया है। तो जब तक हमारे दोनों वेरिएबल्स वन नहीं होंगे, आउटपुट वन नहीं हो सकता। बेटा ये बड़ी टेक्निकल सी चीजें जो याद करने वाली हैं। इधर हमने रिजल्ट में लिखा था कि या तो दोनों स्विचेस में से कोई एक स्विच ऑफ हो तो लैंप ऑफ होगा, जब तक दोनों ऑन नहीं होंगे लैंप ऑन नहीं होगा। तो यहां पर हम वही बात कर रहे हैं नंबर्स की फॉर्म के अंदर कि जब तक दोनों वन नहीं होंगे आउटपुट भी वन नहीं हो सकता। दोनों जीरो हुए या दोनों में से कोई एक जीरो होगा, आउटपुट जीरो मिलेगा। तो चार पॉसिबिलिटीज में से तीन दफा आपको वैल्यू जीरो मिल रही है और एक दफा आपको वैल्यू मिल रही है वन। इसके बाद आते हैं एंड इक्वेशन। ये आपके पास ए बी और जो एक्स थे, तीन चीजें थी, इनके दरमियान आपने जो रिलेशन बनाया है इसको एक मसावात की फॉर्म में लिखा, x इज इक्वल टू ए डॉट बी। यहां पर ये जो डॉट साइन है
बेटा ये एंड ऑपरेशन का सिंबल है। जो एंड ऑपरेशन है, हमने दो वेरिएबल्स ए और बी के दरमियान एंड अप्लाई किया ना, उनका उनको लेके हमने एंड ऑपरेशन अप्लाई किया है, तो डॉट का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। किसके दरमियान इस्तेमाल किया जाता है? जो इनपुट वेरिएबल्स या बाइनरी वेरिएबल्स हमने इस्तेमाल किए उनके दरमियान। तो हमने यूज किए थे ए और बी, या एस वन और एस टू, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, तो उनके दरमियान हमने डॉट यूज किया है। तो ये इक्वेशन मैंने यहां भी लिखी है, ये भी लिखी है। तो ये डॉट का साइन जो इस्तेमाल किया गया है, ये एंड ऑपरेशन का सिंबल है। इसको डॉट नहीं कहना आपने, इसको आपने एंड कहना है, ठीक है। ये बाजार तो डॉट ही है देखने में, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की जुबान में इस डॉट का मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड होता है। तो अब आप इस पूरी इक्वेशन को रीड किस तरह करेंगे? लेफ्ट से राइट आपने रीड करना है। एक्स इज इक्वल टू, देखो मैंने लिखा है ये, एक्स इज इक्वल टू ए, अब डॉट नहीं कहना आपने, आपने कहना एंड, ए एंड बी, एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी, इस तरह से आप इसको रीड करेंगे। सबसे लास्ट पे आ जाते हैं एंड गेट। मैंने आपको अपने पिछले टॉपिक में बताया था कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो स्विचेस या सर्किट्स इस्तेमाल करते हैं, उन सर्किट्स को गेट्स भी कहते हैं। ये जो हमने सर्किट्स बनाए हैं, दीज आर एंड गेट्स। ये चार पॉसिबिलिटीज थी एंड के अखबार से, तो दीज आर एंड गेट्स, ठीक है। अब इस गेट को सिंबोलिकली किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमें नजर आ रहा है कि डी शेप सिंबल है। दो लाइंस पीछे नजर आ रही हैं और एक लाइन आगे नजर आ रही है राइट साइड पे। जो लेफ्ट साइड पे दो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये दोनों इनपुट्स हैं, जिस तरह की इस टेबल में ए और बी थे, ए और बी, ठीक है। और राइट साइड पे जो आपको एक सिंगल लाइन नजर आ रही है, वो आउटपुट है। याद रहे बेसिक ऑपरेशंस में इनपुट्स एंड ऑपरेशन की बात स्पेसिफिकली कर लें, खासतौर पर इसी की बात कर लें, तो इन ऑपरेशंस में एंड ऑपरेशन के अंदर इनपुट्स की तादाद दो से जायद हो सकती है। मैंने आपको बताया है तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, फिर उसी एतबार से पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी हमारी। तो इनपुट्स की तादाद दो से जायद हो सकती है, लेकिन आउटपुट की तादाद हमेशा एक ही होगी। स्विचेस आप सर्किट में जितने मर्जी लगा लें, लैंप एक ही है आपका, आउटपुट आपका एक ही है। क्लियर हो गया बेटा? तो उम्मीद करता हूं टॉपिक की समझ आई होगी। जिस पॉइंट पे आपको इस टॉपिक की समझ नहीं आई, वहां से वीडियो को दोबारा देखिएगा। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट एक यही है कि आपको जिस पॉइंट पे समझ नहीं आती, अगर आप उसको वहां से दोबारा प्ले करें तो आपको बात की समझ आ जाती है थोड़ी सी तवज्जो करने से। अब मैं आता हूं उस पॉइंट पे कि हमारा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक की क्या क्रेडिबिलिटी है। बोर्ड में टॉपिक के आने के चांसेस हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, लेकिन अगर लॉन्ग में नहीं आता तो आपका 12 नंबर का 12 मार्क्स का प्रैक्टिकल लाजमी आएगा ये, ठीक है। ये कंफर्म बात है कि इस टॉपिक में से एंड ऑपरेशन या आर ऑपरेशन, जो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है अभी, इन दोनों ऑपरेशंस में से एक टॉपिक आपका प्रैक्टिकल में लाजमी आएगा, और उस प्रैक्टिकल में हमने कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना होता। सिंपल एक ये डायग्राम बनानी होती है, ये टेबल है, ये टेबल है, ये इक्वेशन है, और ये गेट का सिंबल है। ये तीन चार चीजें हमने उस प्रैक्टिकल में लिखनी है, और हमें उसके बदले में 12 मार्क्स मिलेंगे, और मैं समझता हूं कि 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रीपेयर करें, कम से कम ये सोच के प्रीपेयर करें कि 12 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन हमें आना है। लॉन्ग में, बोर्ड के पेपर में, थ्योरी में आए या ना आए, प्रैक्टिकल में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अल्लाह हाफिज़।